हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। आज हम ऑफ शोल्डर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो पहले हम अपना माप देख लेंगे, हमारा माप क्या है। तो 36 हमारा चेस्ट है, वेस्ट हमारा 30 है, ब्लाउज लेंथ हमारा 14.5 है और पट्टी हमारा 2 इंची रहेगा। नेक हमारा आगे का 7 है और पीछे का 6 इंच है। तो आप एक सादा पेपर ले लें इसे और ऊपर की तरफ से आपको पहले एक निशान लगाना है। उसके बाद हमारा 36 का साइज है तो हम आरमोल का निशान लगाएंगे पहले 7 इंची पे और पैड का निशान लगाएंगे 9.5 इंची पे और 14.5 हमारा लेंथ है। एक निशान हम यहाँ भी लगा लेंगे ऐसा ही 7 इंची आरमोल, पैड का निशान 9.5 और ब्लाउज का लेंथ हमारा 14.5। इन सब निशान को हम पहले सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा 14 है तो हम 14 इंची पहले 7 लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम इसको भी सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम जहाँ हमारा पैड लगता है हम पहले वो डॉट का निशान लगाएंगे। तो हम डॉट का निशान लगाएंगे 3.5, 36 के साइज में आपको 3.5 पे लगाना है। उसके बाद हम इसको भी सीधा कर लेंगे। ये निशान आपको थोड़ा ऊपर तक ले जाना है क्योंकि हमारा जो डॉट निकलेगा आरमोल से वो यहाँ से निकलेगा। उसके बाद आरमोल का जो हम डॉट निकालते हैं यहाँ आप ऐसे पट्टी रखें और यहाँ से एक निशान लगा लें जैसा हम हर ब्लाउज में लगाते हैं। उसके बाद हम नीचे से 2 इंची का डॉट निकालेंगे, 1-1 इंची दोनों तरफ से। और इतना आप छोड़ दें इधर से और 1.5 इंची हम डॉट यहाँ से निकालेंगे आरमोल से। उसके बाद हम नीचे का निशान लगाएंगे डॉट का। तो ऐसे आप राउंड पट्टी लेके निशान लगाएं क्योंकि इससे अच्छा बैठता है, सीधा पट्टी से आप मत नहीं बैठता है सही से। तो आप ऐसा राउंड पट्टी लेके इसे बैठाएं। उसके बाद हम अपना चेस्ट नापेंगे। तो हम यहाँ पहले नापेंगे, उसके बाद वहाँ से इतना निकाल देंगे डॉट। उसके बाद ये यहाँ रख के हमारा चेस्ट 36 है तो हम 36 पे निशान लगाएंगे और हमारा कप्स जो है यानी पैर हमारा 2 इंची उठता है तो हम लूज देंगे इसमें 0.5 इंच की। तो टोटल हमारा 2 इंची लूजिंग हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे का निशान लगाएंगे तो इतना आप निकालें पहले डॉट का, उसके बाद वही निशान यहाँ रखें तो 30 इंची हमारा है तो हम 7.5 पे लगाएंगे। उसके बाद हम इसको भी सीधा कर लेंगे और यहाँ से भी हम 1 इंची का डॉट निकालेंगे। ये डॉट आपको निकालना है और नीचे से आपको 0.5 इंच ऊपर उठा देना है क्योंकि ये हमारा जो बैक होता है 1.5 इंची कम करता है, 1.5 इंची छोटा करता है हमारा बैक। तो यहाँ से आपको 4 इंची रखना है और ये डॉट निकालना है और ये इसको आपको इतना निकाल देना है क्योंकि ये हमारा बाद में लटके नहीं, क्योंकि ये फोल्ड आने लगता है साइड में, इक्वल नहीं रहता है। ये निकाल देंगे तो बराबर बैठेगा। क्योंकि ये हमारा बाहर से नीचे ब्लाउज बनने के बाद ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारा जब डॉट फोल्ड होगा तो हमारा 0.5 इंची का कपड़ा अंदर चला जाएगा। तो आप पहले ऊपर 0.5 इंची इधर लगा के इसको निशान को सीधा कर लें।
ऐसे रखें पट्टी, और इसको, क्योंकि ये जब हमारा डार्ट निकलेगा तो ये इतना कपड़ा फोल्ड होता है, वो आगे हम कटिंग में आपको बताते हैं। उसके बाद हम आरमोल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से पहले आपको नापना है ये पौन से यहाँ तक कितना आ रहा है, वही निशान एक यहाँ लगाएंगे। उसके बाद हम आरमोल का शेप यानी गोलाई दे देंगे। और ये हमारा 36 का साइज है, तो ये आपको ख्याल रखना है कि ये पोर्शन जो है आपको 12 इंची रखना है। तो हम यहाँ पे से 12 इंची रखें यानी 6 इंची रखेंगे, 12 का आधा, इतना आपको आरमोल अंदर की तरफ रखना है। उसके बाद इसको आप एकदम सीधा फोल्ड करें, लंबा इसको आपको करना है पूरा वहाँ तक, क्योंकि ये हमारा डार्ट कटेगा नहीं, ये पूरा सीधा जहाँ तक आता है वहाँ तक कर लें। और ये आपको यहीं ख़त्म करना है और ये निशान हमारा यहाँ मिल जाएगा और ये आपको पूरा कर लेना है। उसके बाद हम आर्मोल का गोलाई देंगे, इसको आप उठा लें इसे। तो अब हम इसके यहाँ गोलाई दे देंगे। तो जो हमने 6 इंची का निशान लगाया है आर्मोल के, तो आप ऐसे ये दे, क्योंकि आर्मोल हमारा सामने का जो होता है ये पोर्शन कम होता है, तो इतना हमको निकालना रहता है। आप ऐसे ही गोलाई दे इसका, ताकि आपका पीस प्रॉपर बैठेगा, नहीं तो अगर आप ये नहीं निकालेंगे तो आपका पीस नहीं बैठेगा, आर्मोल में झोल आएगा। और ये हमारा ऑफ शोल्डर है, तो हमारा पट्टी रहेगा। तो हम पहले गले का निशान लगाएंगे, ये यहाँ पे नापने के लिए हम 3.5 इंची, उसके बाद हमारा गला 7 इंची है, तो 7 इंची पे निशान लगाएंगे। और ऊपर से जो है यहाँ हमारा पट्टी रहेगा 2 इंच का हमारे बाइसेप पे, तो हम ऊपर से 2 इंची का, 2 इंची हम शोल्डर से नीचे निशान लगाएंगे। इतना हमको गिरा के रखना है, क्योंकि हमारा शोल्डर पे नहीं जाएगा ये पट्टी, तो 2 इंची आप ऐसे रखें। उसके बाद हम इसमें गोलाई देंगे। ये हमारा गोल यानी बोट नेक जैसा है, अगर आप चाहें तो इसमें आप बी भी दे सकते हैं। तो हमारा गोलाई देने के लिए हम ऊपर 3.5 दिए थे, तो यहाँ पे 3 इंच का निशान लगा लें, ताकि आपको शेप देने में आसान पड़ेगा। तो हम ये वाला पट्टी रख के इसको आप ऊपर की तरफ ऐसे रखें, वो निशान से मिला के आपको रखना है। और इसमें हम गोलाई देंगे गले का, क्योंकि ये हमारा ऑफ शोल्डर है यानी शोल्डर नहीं रहेगा इसमें हमारा, ये डायरेक्ट ये जो निशान हम लगा रहे हैं ये डायरेक्ट हमारा बाइसेप यानी मसल पे होते हुए बैक में चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब इसके आगे हमको यहाँ से एक सीधा पट्टी चली जाएगी, तो हमारा जो बाइसेप होता है वो 6 इंची का रखना रहता है, तो उसका आधा रखें हम 3 इंची, और ये पट्टी से हम उसको सीधा कर लेंगे। ऐसे रख के आपको सीधा कर लेना है, ये हमारा ये आर्मोल से होते हुए ये आपको 3 इंची रखना है। और ये 3 इंची से थोड़ा कम रहता है, तो हम पीछे की तरफ थोड़ा आधा इंची का निशान बाद में लगा लेंगे। उसके बाद हम इसका जो हमारा पट्टा रहेगा 2 इंच का, वो 2 इंच का हम पट्टा लगाएंगे निशान। ये 2 इंच का पट्टा हमारा डायरेक्ट आ जाएगा इधर, तो हम ये 2 इंची का एक निशान लगाते हुए इधर आ जाएंगे आर्मोल तक, क्योंकि ये हमारा
अलग से नहीं रहेगा, इसमें डायरेक्ट अटैच है। ये आर्मोल तक आ गया। अब हम वो से पट्टी रख के इसको भी सीधा कर लेंगे। ये हमारा थोड़ा क्योंकि राउंड रहता है नीचे से, नीचे का पोर्शन हमारा थोड़ा बड़ा रहता है, नहीं तो हाथ आपको ऊपर नीचे करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए आप इसको थोड़ा लूज़ रखें। अब यहाँ से आपको सीधा नहीं रखना है बल्कि हल्का क्रॉस रखना है। ये पोर्शन जो होता है ये ऊपर का कम रहेगा, तो हम नापेंगे इसको तो हमारा 3 है, तो हम इससे थोड़ा पीछे ले लेंगे इसको, क्योंकि ऊपर का पोर्शन हमारा झोल ना आए, इसीलिए आप इसको थोड़ा टाइट कर लें। उसके बाद ये पट्टी आपको बिल्कुल सीधा नहीं बल्कि नीचे की तरफ से क्रॉस में रखना है आपको, यानी ये हमारा 2.5 है, तो इधर कम से कम आपको 5.25 के तरफ या 5 रखना है आपको। अगर आप 5.5 दे देंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये क्रॉस में रहेगा हमारा, ये सीधा नहीं रहेगा। तो ये हमारा आर्मोल से डायरेक्ट ये चला जाएगा उधर, और हमारा बाकी यहाँ से कटिंग हो जाएगा। तो ये हमारा निशान लग गया है, और ये जो हमारा डाट है वो यहाँ निकल जाएगा, क्योंकि हम आर्मोल का डाट सामने निकालेंगे, तो हम इसकी कटिंग कर देंगे अभी। इस तरह से आप बैठा के इसको काट लें। ये हमारा ये डार्ट हमारा इधर से निकल जाएगा। तो हम इसकी भी कटिंग कर देंगे इसमें। ये हमारा जो हमारा आस्तीन है उस पे चला जाएगा ये डायरेक्ट। ये जो हमने आपको बोला था कि ये हमारा निकलता है, तो हम इसको निकाल लेंगे पहले। ये हमारा आर्मोल हो गया। अब ये जो हमने आपको बोला था कि निकलेगा, तो आप देख सकते हैं इसको आपको ये डार्ट पकड़ना है ऐसा, और यहाँ ख़त्म करना है। तो ये देखिए ये हमारा अंदर चला गया, तो ये हमारा सीधा आया, तो इतना हमारा कपड़ा अंदर चला जाता है इसमें, तो आपको ऐसे करना है। वो हमारा डार्ट निकलता नहीं है क्योंकि खाली पैटर्न में हम उसको निकालते हैं। ये हमारा डार्ट इधर निकल जाएगा, तो हम इधर से कटिंग करेंगे। ये हमारे सामने की कली है और वो हमारा साइड की कली हो जाएगी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से। तो अब देख लीजिए जो हमारा डार्ट आर्मोल का था हम इधर निकाल दिए, और इसको हम ऐसा रख के चिपका देंगे। ये फेविकॉल से हम इसको चिपका देंगे, ये ऐसा हमारा ये चिपक गया। अब वो हमारा आर्मोल पे डायरेक्ट चला जाएगा पट्टी। उसके बाद जो हमने साइड का डार्ट लगाया है इसको भी हम चिपका देंगे। सिर्फ हमारा प्रिंसेस जो हमारा रहेगा सिर्फ वही हमारा डार्ट रहेगा। इसमें थोड़ा चटका लगा लें क्योंकि साइड का निशान बैठाने में आपको ईजी पड़ेगा। तो ये आप देख लीजिए ये हमारा डार्ट इधर से भी निकल गया और वहाँ का डार्ट हमारा यहाँ निकल गया, और ये हमारा डायरेक्ट गला से होते हुए हमारे आर्मोल पे बैक में चला जाएगा डायरेक्ट। ये आप वी नेक भी काट सकते हैं, आप ऊपर के तरफ भी कर सकते हैं। ये हमारा ऐसा रहेगा।
अब हम इसकी बैक की कटिंग कर देंगे। तो चलिए हम बैक काटते हैं। तो उसी तरह का हमने एक और पेपर ले लिया है, बैक इसमें हम काटेंगे। तो ऊपर की तरफ आपको ऐसा ही निशान लगाना है एक सीधा। उसके बाद हम जो हमारा आर्मोल सामने गिरा था 7 इंच, तो वही 7 इंच ही हम यहाँ भी गिराएंगे और 14.5 हमारा था और 1.5 इंच इसमें हम बैक कम रखेंगे तो हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ भी लगा लेंगे 7 और 13। उसके बाद हम इसको भी सीधा कर लेंगे। और सामने में हमने जो लगाया था वो 9.5 इंची लगाया था, तो हम ये 9.5 इंची निकालेंगे इधर। उसके बाद हम निशान लगाएंगे, तो हमारा चेस्ट जो है 36 है, तो ये 36 पे निशान लगाएंगे और इसके आगे हम इतना बढ़ा देंगे क्योंकि ये हमारा लूजिंग रहेगा 2 इंची का। उसके बाद हमने फ्रंट में लगाया था 7.5, तो हम 7.5 निकाल के 15 इंची पे हमारा रहेगा। उसके बाद हम 1 इंची का इसमें डाट निकालेंगे, तो 1 इंच हमको इधर बढ़ जाएगा, तो हम पहले एक इसमें डाट निकालेंगे 1 इंच का। तो आधा आधा इंची दोनों तरफ से निकालना आपको, सेंटर में 20 इंची रख, 3 इंची रख के 1 इंची से ज़्यादा अपना निकाले इसमें। उसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे डाट को और ये 3.5 इंची हमको डाट सीधा ऊपर की तरफ रखना है और ये आधा आधा इंच हमारा दोनों तरफ से डार्ट निकल गया। और ये डार्ट हम एक तरफ 1 इंच हम इस तरफ बढ़ा देंगे क्योंकि हमारा डार्ट में जाएगा। फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो शोल्डर हमारा 14 था, तो 7 इंच हम यहाँ भी लगाएंगे आधा उसका और आधा इधर लगा लेंगे 7 इंची, फिर इसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम फिर इसका गाला देखेंगे, तो 3.5 इंच हमने सामने इधर लगाया था एक निशान, तो हमारा बैक का गाला फ्रंट का हमारा 7 था और बैक का हमारा 6 रहेगा, तो हम 6 इंची पे एक निशान लगाएंगे। और ऊपर से हमने यहाँ पे 2 इंची किया था, तो 2 इंची का एक निशान यहाँ भी लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको गोलाई देंगे और यहाँ से जो है आपको थोड़ा पीछे रखना है, ये आपको उस पर मत दीजिए, पीछे रखना है। फिर ये ऐसा पट्टी लेके आपको इसको शेप देना है और ऐसे शेप देने के बाद जो हमारा नीचे का पोर्शन होता है यहाँ का, तो यहाँ पे से आप ऐसा सीधा ना रखें बल्कि आप थोड़ा पीछे लाएं, ऐसा थोड़ा पीछे ला के आपको थोड़ा इसको डीप देके इसको मिलाएं इसमें, ये आपका ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये वाला जो होता है क्योंकि कोट की कटिंग लूज़ होती है तो उसमें आपको चल जाएगा, लेकिन ये ब्लाउज़ क्योंकि हमको हाथ ऊपर नीचे करना रहता है तो यहाँ पर आपको अंदर करना ज़रूरी है, तो आप ऐसा करके इसमें गोलाई दे दें। इतना आपको पीछे रखना है बैक में, बैक बाहर से बिल्कुल नहीं काटना है। देख लीजिए हमने बैक में से भी इतना कपड़ा निकाला है, हमारा सामने 6 था और ये हमारा 6.25 है, ये हमारा 6.25 रहेगा, उसमें हमारा सामने 6 था, तो ये हमारे 2 इंच का निशान जो हमने लगाया है। यहाँ से हम जैसे फ्रंट में निशान लगाए थे ऐसा यहाँ भी एक निशान लगा लेंगे। ये निशान हम बैक का गला हमारा हो गया। अब यहाँ से हम क्योंकि हमारा सामने हमने लगाया था 3 इंची का, तो हम 3 इंची इधर 3.25 इंची निकालेंगे यहाँ पे और
6 इंची पे एक निशान लगाएंगे कि 6 इंची पे हमारा इतना मोटा रहता है मसल, तो ये 6 इंची पे हमारा बराबर बैठेगा। उसके बाद हम यहाँ 2 इंची का निशान लगाते हुए आ जाएंगे, जो हमारा 2 इंची का पट्टा जाएगा हमारे हाथ के ऊपर से, जो हमारा बाजू रहेगा उसके ऊपर से ये पट्टा जाएगा, और इस पे भी हम गोलाई दे देंगे इसको ऐसा। ये आरमोल में आके मिल गया, तो ये हमारा बैक का हो गया। अब हम इसमें इसको भी क्रॉस कर लेना है, आपको सीधा नहीं रखना है, क्रॉस में लगाना, जैसे हमने फ्रंट में लगाया था क्रॉस, तो ऐसे आपको सीधा नहीं रखना है बल्कि ये क्रॉस में रखना है ऐसे, क्योंकि हमारा नीचे की तरफ थोड़ा गोलाई रहता है। तो ये हमारा लग गया बैक का निशान, तो ये देख लीजिए ये हमारा ऐसा रहेगा, यानी ऐसा मिलेगा, ये हमारा ज्वाइंट हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा मसल के ऊपर आ जाएगा, यानी बाजू के ऊपर, ये हमारा बाजू होता है, और इसके ऊपर ये ऐसा रहेगा। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे अगर आप ये निशान इतना पीछे नहीं रखेंगे तो यहाँ पे नम आने का डर रहता है, नम आ ही जाएगा, इसलिए आप इतना पीछे रखें। तो हमारा दोनों मार्क लग गया है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये ध्यान देना है आपको कि ये सीधा नहीं रहना चाहिए, ये क्रॉस ही में रहना चाहिए। उसके बाद हम इसकी कटिंग इधर से भी कर देंगे। ये ऑफ शोल्डर ब्लाउज है, इसमें और भी पैटर्न है, आने वाली वीडियो में हम उसको भी बताएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो आपके पास जल्द पहुंच जाए। तो ये हमारा कटिंग हो गया, बिल्कुल इजी है ये, आप आराम से काट सकते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कटिंग हो गया है, ये हमारा कली है सामने का, और ये हमारा बैक है, तो ये हमारा ऐसा आके मिल जाएगा, और ये हमारा जो रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा हमारे बाजू पे ऐसे, और ये ऐसे रहेगा, आप देख सकते हैं ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा हमारे बाजू पे होते हुए, हमारा फ्रंट बैक दोनों मिल जाएगा आपस में। और ये आप मानो ये बहुत ही बेहतरीन बैठता है, अगर आप चाहें तो काट के सिल सकते हैं। उसके बाद अगर आपका नहीं बैठे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको इसमें बताऊंगा, इसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुक्रिया दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।